असल में परसों रात को तकरीबन 1:15 बजे के करीब जो हमारे MIM के नासिक के जिलाध्यक्ष है माजी मेयर अब्दुल मालिक, इनके ऊपर जो जानी हमला, जानलेवा हमला हुआ, उसकी खबर मुझे कल सुबह 10 बजे चली। जैसा कि मैं सुबह 6 बजे उठकर और मुंबई के लिए चला गया था और मैं 2 दिन मुंबई था, मैं मुंबई से अभी आया, तो ये खबर मिलने के बाद मैंने फौरी तौर से इसकी सब जानकारी हासिल की। उसके बाद कल ही मैंने जो नासिक के IG साहब है विजय शेखर साहब, उनसे फ़ोन पर बात की और तमाम मालूमात लेने के बाद जो ज़रूरी उनको सूचनाएं देनी थी वो दी। उसके बाद में मैंने जो हमारे डॉक्टर खालिद परवेज है उनसे मालूमात हासिल की, हमारे रियाज भाई शाह उनसे मालूमात हासिल की, फिर मैं आज सुबह DG जो हमारी रश्मि शुक्ला मैडम है उनसे मुलाकात करके और उनको ये कहा कि जो मालेगांव में बारहा फायरिंग वगैरह होती है ये मुनासिब नहीं, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा इशू हो रहा है, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए। उन्होंने फौरी तौर पर IG को फ़ोन किया, उसके बाद जो यहाँ के एडिशनल SP अनिकेत भारती इनको फ़ोन करके ज़रूरी सूचनाएं दी और हमने ये मांगनी की है कि ये जो बार बार इस तरीके की जो फायरिंग होती है उस पर रोक लगाई जाए और एक कॉम्बिंग ऑपरेशन मालेगांव शहर में किया जाए। और दूसरा ये कि जो यहाँ पर जो कुत्ता गोली, जो नशे की गोलियाँ बिकती है, उसके लिए एक स्क्वाड की नेमणूक की जाए, ऐसा हमने DG मैडम से बात की और उन्होंने फौरी तौर पर ऑर्डर की है कि मालेगांव में कॉम्बिंग ऑपरेशन भी करना चाहिए और उसके बाद जो ये नशे की गोलियाँ खुलेआम बिक रही है उसके लिए एक स्पेशल स्क्वाड की उन्होंने नेमणूक करने के आदेश दिए हैं। उसी सिलसिले में मैं आज आते समय जो हमारे मेयर मालिक साहब मालिक है उनसे मुलाकात की अपोलो हॉस्पिटल में, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत अभी काफ़ी बेहतर है। उसके बाद आते वक्त हमने जैसे अनिकेत भारती साहब से बात की और उनसे अभी तफसीली गुफ्तगू की, उनको ये कहा कि इस मामले में जो भी असल मुजरिम है उसको फौरन पकड़ा जाए, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, इस तरीके के हादसात आगे ना हो इसके लिए कड़े इकदाम उठाए जाए, ऐसी बात हमने अनिकेत भारती साहब और तेजवीर सिंह सिद्धू साहब इनसे की है।